नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। चलिए आपको फटाफट खबरों से कराते हैं अपडेट। केएमपी के रास्ते महाराष्ट्र जा रहा था सेब से भरा ट्रक, चालकों के साथ मारपीट। पी पर एक ट्रक चालक व उसके साथी के साथ लूट का मामला सामने आया है। ट्रक चालक की शिकायत पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खलुका जिला भरतपुर राजस्थान निवासी वारिस का कहना है कि वह एक ट्रक पर बतौर चालक नौकरी करता है। सोमवार को वह शिमला हिमाचल से ट्रक में सेब भरकर होशपेट महाराष्ट्र के लिए चला था। इस दौरान उसके साथ पापड़ा जिला भरतपुर राजस्थान निवासी वकील भी उसके साथ था। वारिस का कहना है कि केएमपी पर पहुंचने के बाद उसने अपने ट्रक को पीपली गांव के पास रोका और दोनों ट्रक के टायरों की जांच करने लगे। इसी बीच दो मोटरसाइकिल पर चार युवक आए, वह कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्होंने उन्हें लात घूंसे मारने शुरू कर दिए, जिसके बाद आरोपित उसका पर्स छीन ले गए, जिसमें 5,000 की नकदी, आधार कार्ड व अन्य कागजात थे। ट्रक चालक वारिस का कहना है कि उनके साथ मारपीट करने के दौरान लुटेरे आपस में सैफ अली व इरशाद नाम ले रहे थे, जो कि अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठकर मौके से फरार हो गए। ट्रक चालक की शिकायत पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खांडा गांव में शराबी ने मचाया हड़दंग, पेट्रोल पंप को आग लगाने की कोशिश के आरोप में मामला दर्ज। खांडा गांव के एक पेट्रोल पंप पर पहुंची शराबी ने पंप में आग लगाने की कोशिश की। पंप मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कथुरा निवासी धर्मेंद्र का कहना है कि खांडा स्थित उसके पेट्रोल पंप पर शाम के समय खांडा गांव का ही एक युवक शराब के नशे में पहुंचा और पहले तो उसने गेट पर लगा शीशा तोड़ दिया। सेल्समैन जब इसकी सूचना उन्हें देने लगा तो उसका मोबाइल छीनकर उसे तोड़ दिया गया, जिसके बाद आरोपी ने पंप से पेट्रोल की नोजल उठाकर चला दी। इस दौरान वह सिगरेट पर जलाए हुए था। सेल्समैन ने सूझबूझ दिखाते हुए पंप की एमसी बंद किया, नहीं तो बड़ा हादसा पेश आ सकता था। इसके बाद भी शराबी ने ईंट पत्थर मारकर मशीन की डिस्प्ले तोड़ दी। पंप मालिक का कहना है कि सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। आरोपी इससे पहले भी शराब पीकर पंप के कार्यालय के शीशे तोड़ चुका है, जिस पर पंचायत में सुलह हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी सेल्समैनों को धमकी देकर फ्री में तेल डलवाता रहा है। पंप मालिक की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सेठी, चुरीक अस्पताल एवं डॉक्टर सेठीज अमर हॉस्पिटल की डायरेक्टर एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, आप सभी को सूचित करना चाहती हूँ कि मैंने महिलाओं के लिए एक स्पेशल कैंप की शुरुआत करी है। मैं महिलाओं से संबंधित सभी बीमारियों में मुफ्त परामर्श एवं सर्जरी इलाज पे विशेष छूट मिलेगी। मैंने अक्सर देखा है कि गांव की महिलाएं अपनी अंदरूनी बीमारियों को बताने से झिझकती हैं, जिससे छोटी छोटी बीमारियां बड़ी हो जाती हैं। मैं उन सब महिलाओं से अनुरोध करती हूं कि आप झिझकिए मत और डॉक्टर के पास में आके बीमारी लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।